क्वेश्चन नंबर एट, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। तो सॉल्यूशन के लिए दो मेथड बता रहा हूँ। फोर्स का क्या डायमेंशन होता है, MLT-2। टाइम का क्या होते हैं, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, लेंथ का डायमेंशन एल। मान लो इस तीनों को ऐसे अरेंज करना है कि मास आ जाए, एम आ जाए। आसान तरीका देखो, एम इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, MLT-2। टी नहीं चाहिए तो टी का स्क्वायर लिख दिया, एल नहीं चाहिए तो नीचे एल लिख दिया। दैट मीन्स क्या हुआ, ये वाला फोर्स हो जाएंगे, ये वाला टाइम हो जाएंगे, ये वाला एल हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें एफ टी स्क्वायर अपॉन एल मास इक्वल्स टू, अभी उसमें मास में 1 किलो न्यूटन फोर्स में, और टाइम में 100 सेकेंड का स्क्वायर, और एल में 1 किलोमीटर पुट कर दो तो 1000 न्यूटन, दैट इज 10,000 सेकेंड स्क्वायर, और ये आ जाएंगे 1000 मीटर, किलोमीटर मीटर। तो अभी न्यूटन सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर, तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और इधर पे -2 2 वो तो कैंसिल हो जाएंगे, mm कैंसिल होगा, 10^4 केजी। लेकिन तुम्हारा माइंड में एक डाउट आएगा कि बाय चांस इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ दे देते हैं तो उसको हम लोग अरेंज किस तरीके से करेंगे, है ना बेटा। माइंड में डाउट हो सकता है कि 3-4 क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दे दिया तो अब कैसे अरेंज करेंगे, उसके लिए एक रास्ता है, ओके, वो भी हम बता देते हैं। दैट इज ए सेकेंड मेथड। मान लिया, हम लोग को पता नहीं है तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से मान सकते हैं, लेट मास इक्वल्स टू फोर्स टू दी पर ए, टाइम टू दी पर बी, एल टू दी पर सी। फोर्स का क्या होता है, MLT-2 ए टी टू दी पर बी, एल टू दी पर सी। तो M1 L^0, T^0, ठीक है बेटा। और M^2 ए से आए ना, L^2 होगा T^-2 ए, T^2 L^2 सी। तो इसमें से क्या आएगा, देखो इसमें से जो आएगा दैट विल बी M^A L^A+C एंड T^-2 A+B। जो पावर्स, जो टी के पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, एल के पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, और एम के पावर तो यही है, अभी दोनों कंपेयर करेंगे। तो इधर पे एम के पावर ए है, इधर पे एम के पावर वन है, दोनों तरफ जो है पावर तो सेम होना चाहिए। तो A=1, A+C=0। तो अभी A+C=0 है तो एक जगह 1, तो C=-1 हो जाएंगे, और -2A+B=0 तो B=2 हो जाएगा। तो मास इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स टू दी पावर क्या था, ए लिया था तो 1, टाइम के पावर बी लिया था दैट इज 2, लेंथ के पावर क्या लिया था दैट इज सी -1, ठीक है बेटा, ओके -1। अभी उसको पुट करते हैं एज इट इज, जैसी है 1000 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर और 1 किलोमीटर टू दी पावर -1, तो 1000 मीटर टू दी पावर -1 और 10,000 सेकेंड का स्क्वायर और 1000 न्यूटन, उसको भी सॉल्व करोगे तो न्यूटन फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड टू दी पावर 2 एज इट इज़ वही आ जाएंगे 10^4 केजी, ठीक है बेटा। लेकिन एक प्रॉब्लम तुम लोग से आ रहा है, जो जो तुम लोग को सॉल्व करके आता है वो सबको भेज दो, और जो नहीं आए रिमार्क्स में लिख दो कि सर ये सब क्वेश्चन होमवर्क का नहीं आया।